हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। व्यापम में बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सहकारिता विभाग यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के अंतर्गत 398 पदों पर वैकेंसी जारी होने वाला है और इसकी बहुत जल्द भर्ती हो सकती है। क्या आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हम बेस्ट क्लास लेकर आए हैं, न्यू अपडेट लाएंगे। इसके लिए रात 9 बजे लाइव क्लास ली जाएगी। साथ ही चलिए हम चर्चा करते हैं कि सहकारिता विभाग में इसका सिलेबस हम आपको बताएंगे जो कि 2013 के अनुसार है ना। और साथ ही पूरी वीडियो को देख के जाना, स्किप नहीं करना है। पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सहकारिता विभाग, उसके बाद हॉस्टल वार्डन की भर्ती भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। यानी कि एक भर्ती है यानी कि रिलीज होने को मिल रही है। यानी कि आप तैयारी करते रहिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा, एक न एक दिन आप सफल होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भर्ती का, जो कि है छत्तीसगढ़ में सहकारी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में मर्यादित रायपुर के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षा है कुल 398 पद है। इसमें आरक्षण लागू नहीं है। अगर आपका ओवरऑल रैंक 398 के अंतर्गत आ जाता है तो आप सिलेक्शन हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से पद हैं, इसके वेतनमान क्या है, इसकी भर्ती योग्यता क्या है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सहायक प्रबंधक के टोटल 23 पद हैं। उसी प्रकार कार्यालय सहायक के आपका 17 पद है। उसी प्रकार सामान्य सहायक के 98 पद है और समिति प्रबंधन के 260, यानी कि सभी एचआरओं को मिलाकर 398 पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी किया जा रहा है। उसी प्रकार आपका देखिए, जो इसका सिलेबस के बारे में बात करें और परीक्षा तिथि के बात करें, संभावित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी तारीख को होगा, ऐसा करके संभावित हम कह रहे हैं कि इसका जो परीक्षा तिथि हो सकता है 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर के आसपास, या फिर चुनावी जो चल रहे हैं ना, तो इसका बाद भी हो सकता है। कोई इसका कंफर्म डेट जारी नहीं हुआ है, संभावित कह रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बहुत सारे युवाओं ने पूछा था कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखिए, जो व्यापम का जो सिलेबस होता है नॉर्मल उसी प्रकार का होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, समसामयिकी घटनाएं हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि गणित है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद कंप्यूटर है, कुछ विभागीय जानकारी है। इतना आप लोग बस इतना आप सभी पढ़ लीजिएगा। जैसे इसका पूरा डिटेल अगर आप मेरे को मिल जाता है, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो और एक दूसरा अपडेट आपके, पहली बात तो मैं ये बताया, और दूसरा बात है यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 5 सितंबर से यानी कि कल शिक्षक दिवस के तौर पर रात 9 बजे लाइव क्लास ली जा रही है। अगर आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा। हॉस्टल वाले की कंप्यूटर क्लास, एडीओ का, आरआई का, सभी का हम सिलेबस के अनुसार आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप में तो वहाँ मेंबरशिप में अलग से फीस के तौर पर आपको मिल जाएगा। साथ ही यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही, बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।